तो इस सत्र में हम लोग अपनी सांस की लंबाई को बढ़ाएंगे तो हमारा दुख और दर्द घटने लगेगा और दुख और दर्द को हम साक्षात भी कर पाएंगे, यानी जो देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे, उसके विज्ञान को हम लोग जान सकते हैं। और जितने हमारे आवेश काम क्रोध और दुख, ये भी हमें साक्षात होंगे। हम लोग क्रोध इस वजह से भी करते हैं क्योंकि हम लोग क्रोध जो हम लोग कर रहे होते हैं तो नहीं दिखता है, तो इसमें हमें दिखेगा। और इसमें आपको यह भी महसूस होगा कि हमारा जो मन है वो हमारे शरीर से बिल्कुल अलग है, जितना बढ़िया इसमें दिखता है उतना बढ़िया किसी में दिखता है। तो यह एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक उपलब्धि होती है। और जैसे जैसे सांस की लंबाई बढ़ेगी, मैं आपको वो भी बताऊंगा कि सांस की लंबाई कैसे कैसे होगी तो क्या क्या होगा। जैसे जैसे सांस की लंबाई बढ़े वैसे वैसे नई नई अनुभूतियाँ आपको महसूस होंगी, नई ध्वनियों का सुनाई पड़ना, भीतर से कान से नहीं अंदर से महसूस होना, और नई दृष्टि देखना, यहाँ तक कि कई तरह की जो वार्तालापें हुई हैं वे भी महसूस हो जाती है। वो वार्तालाप जो आप नहीं किए किसी अन्य ने किए किसी अन्य समय में किए वो भी महसूस हो जाए, लेकिन वे आपसे किसी न किसी रूप में संबंधित रहे हैं। और यदि आपने किसी से प्रत्यक्ष किया है तो उसके भी संस्कार उभर जाते हैं, वो महसूस होते हैं। और योग में एक बहुत बड़ी घटना होती है जिसको एस्ट्रल ट्रेवल कहा जाता है अंग्रेजी में, और यहाँ कहा जाता है शरीर से सूक्ष्म शरीर का बाहर निकल जाना। हमारे इस शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर है, ये हमारा स्थूल शरीर है, भौतिक शरीर है, इसके भीतर सूक्ष्म शरीर है, उसका बाहर निकल जाना इस शरीर से, इस तरह से बाहर निकलना कि हम अपने इस शरीर को देख सकें। आपको लगेगा कि मैं अलग हूँ, जब मैंने कहा ना कि मन अलग होगा तो जब आपको लगेगा कि मैं अलग हूँ तो उसी की थोड़ी सी और अलग घटना है कि अलगाव होते हैं। जैसे चंचल कल बता रहा था कि इसको साफ दिख रहा था कि मन अलग है, तो अब इसी घटना के बाद थोड़ी सी और आगे की घटना होती है कि मन अलग होने के अलावा बाहर निकल जाता है। और जब बाहर निकल जाता है, अगर हमारी मनोदशा ऐसी है तो यानी हम बाहर की ओर आना चाहते हैं, अपने शरीर को देखना चाहते हैं, तो अन्यथा मन अंदर की ओर ही चला जाएगा। अंदर की ओर चला जाएगा तो और आध्यात्मिक प्रगति होती है और आत्मा में प्रवेश होता है। लेकिन यदि बाहर निकल जाएगा तो हम अपने इस भौतिक शरीर को बाहर से महसूस कर सकते हैं। वह एक अलग आयाम है इस भौतिक जगत से, इस समय के जगत से, स्थान के ये जो आयाम है इससे वह भिन्न आयाम है। अपने शरीर का बाहर निकल जाना, अपने मन का बाहर निकल जाना, वह एक तरह से आप मन समझ लीजिए, वह हमारा मन है जो बाहर निकल जाता है और उससे हम अपने इस शरीर को देखते हैं। वह मन जो है भौतिक मन नहीं है, अभौतिक मन है। एक नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक फिजिस्ट हैं जॉन एटलिस, तो उन्होंने इस बात को कहा कि हमारा जो यह फिजिकल माइंड है इससे वह भिन्न माइंड है, वो स्पिरिचुअल माइंड है। जन्म के समय हम लोग कौवा मस्तिष्क हमारे शरीर में प्रवेश करता है, यानी जब हम लोग दर्द धारण करते हैं, जन्म करने का मतलब दर्द धारण करने का मतलब नदी मान के पेट से बाहर निकालने से नहीं, तो जब हमारा दर्द धारण होता है तो उसको तीर का प्रवेश होता है, तो वह मस्तिष्क हम लोग के लिए इतना व्यापकता लिए आता है कि हम लोग का एक तरह से पूरा संचालन करता है। तो इस भौतिक मस्तिष्क का संचालन वही मस्तिष्क करता है। हम लोग सोचते हैं कि हमारा यही मस्तिष्क संचालित कर रहा है, लेकिन इस मस्तिष्क को वह संचालित कर रहा है जो सूक्ष्म मस्तिष्क है, जो अभौतिक मस्तिष्क है। तो हम लोग इसमें देखेंगे। अब मैं आपको यह बताता हूँ कि हम लोग को कब कब क्या क्या महसूस होगा, सांस
और इसको इतना अच्छा से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे साइंस में कैलकुलेट करते हैं उस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अमूमन ऐसा होता है कि एक आदमी, औसत आदमी जो कि 20 वर्ष से 40 वर्ष की उम्र का है, अच्छे स्वास्थ्य का है, उसकी जो सांस है वह एक मिनट में 20 और 22 सांस चलती है, और हृदय जो है 72 होता है। उम्र बढ़ जाने के बाद इसमें बदलाव हो जाता है, सांस छोटी हो जाती है। सांस की हमारी जितनी लंबाई होगी उसके हिसाब से ही हमारी आयु होगी। सांस छोटी होते होते खत्म हो जाती है। तो अब इस जो 20 और 22 है प्रति मिनट सांस की दर, इसको क्या किया जाता है कि इसको घटाया जाता है। हमारे ऋषि महर्षियों ने बड़ा शोध किया है कि हम कितनी मात्रा में कितनी सांस लें। मात्रा में कल आपको बताया था अमूमन 1 सेकंड के बराबर होता है, 1 ताली बजाने में इतना समय लगता है वो मात्रा में। तो वे महसूस किए कि जब हम सांस को धीमा करते हैं, धीमा करते जाएंगे सांस की लंबाई बढ़ती है, जैसे जैसे सांस की लंबाई बढ़ेगी हम इन आवेशों से ऊपर उठने लगेंगे। यदि हम गरिष्ठ भोजन करते हैं, ज़्यादा भोजन करते हैं, तो हम कम सांस ले पाते हैं, सांस की लंबाई हमारी घट जाती है, जिसके कारण क्या है कि प्रति मिनट सांस का दर बढ़ जाता है। प्रति मिनट सांस का दर बढ़ जाने का मतलब हाई ब्लड प्रेशर का होता है, इसलिए ज़्यादा भोजन करने से हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। ज़्यादा भोजन करेंगे इसलिए ज़्यादा नींद भी आएगी, तामसिक प्रवृत्ति बढ़ जाती है, सांस छोटी हो जाने पर तामसिक प्रवृत्ति बढ़ जाती है। सांस जितनी बड़ी होती जाएगी तो हम तामसिक से राजसिक और राजसिक से सात्विक हो जाएंगे, लंबी सांस मतलब सात्विक हो। तो सांस की लंबाई बढ़ाने के लिए मेरे कहने का मतलब है भोजन को कम करना चाहिए। भोजन कम करने से आज वैज्ञानिकों ने शोध करके सिद्ध भी कर दिया, जो लोग उपवास करते हैं तो कैंसर नहीं होता, उनकी आयु लंबी होती है। तो भोजन कम करने से क्या होगा कि हमारी आयु लंबी होगी, सांस हम लंबी ले पाएंगे, इससे आयु लंबी होगी और स्वस्थ जीवन होगा और मस्तिष्क आपके नियंत्रण में। तो हम इसमें सांस की लंबाई को घटाएंगे और आराम आराम से घटाएंगे, यानी सहज रूप से। ऐसा नहीं कि चार सांस बहुत धीमा धीमा ले लिया उसके बाद बहुत तेज सांस लेने लगे, वैसा नहीं करना। सांस की लंबाई को सहजता से लीजिए, ये एक दिन का अभ्यास नहीं है, काफ़ी लंबे समय का अभ्यास होता है। लेकिन आज जिस दर से आप सांस लेते हैं इसके बाद आप देखेंगे कि प्रति मिनट आपकी सांस की संख्या कम हो। तो सांस सहजता से ही उसको थोड़ा सा बल लगाना है, हल्का सा, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा बल लगाना है, शुरू में करती है कम सांस गिनती घटा दिया, हल्का सा बल लगाएंगे शरीर को लेकिन बढ़ना चाहिए ज़्यादा और सांस की लंबाई बढ़ जाएगी। इस तरह से धीरे धीरे क्रमशः अभ्यास से थोड़ा 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 बल लगाते रहेंगे और सांस की लंबाई बढ़ती चली जाएगी। तो हम थोड़ा थोड़ा बल लगाएंगे और सांस की लंबाई बढ़ाएंगे। अब सांस की लंबाई जब हम एक मिनट में 14 सांस या इससे नीचे आ जाते हैं तो काम वासना का वेग समाप्त होगा। यानी एक मिनट में यदि आप 14 सांस चलाएंगे तो अपना काम का वेग नहीं उठ सकता, किसी हालत में नहीं उठ सकता। यदि इससे थोड़ा और कम हो गया, 13 सांस हो गया, तो क्रोध का वेग नहीं उठेगा, घट जाएगा, क्रोध आप नहीं कर पाएंगे। यानी एक मिनट में 13 सांस लेते हुए, सांस पर ध्यान रखते हुए आप क्रोध नहीं कर सकते, चाहे तो आप क्रोध में नहीं कर सकते किसी चीज़ पर। एक मिनट में 13 सांस अभी आ रही है जा रही है तो क्रोध प्रकट नहीं होगा। इसी तरह से मोह है, लोभ है, एक एक सांस घटाते चले जाएंगे और वो घटता चला जाएगा। जब एक मिनट में
बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। जब एक मिनट में हम तीन सांस लेते हैं, एक मिनट में सिर्फ तीन सांस आ रही है जा रही है, ये काफ़ी लंबे अभ्यास से होता है। यह सच है कि इस अभ्यास को करने के बाद हम बहुत ज़्यादा शारीरिक कठोर परिश्रम नहीं कर सकते, यह सब क्योंकि उसके लिए क्या है कि हमें छोटी सांस भी लेनी पड़ जाती है, जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ती है, तो इसको स्थिरतापूर्वक ही किया जाता है और यह शुद्ध रूप से अपने को नियंत्रण में करना है। हाँ, अगर आप प्रतिदिन थोड़ा सा इसको करते हैं 2 घंटा 3 घंटा, उसके बाद अपना दैनिक जैसा कार्य वैसा करेंगे तो आप सामान्य रूप से सब काम कर सकते हैं। लेकिन अगर सोचेंगे कि दिन भर ऐसा ही करते रहें और उसको कर लें तो वह नहीं हो सकता कि आप इसको भी करते रहें और अपने हार्ड वर्क भी करें, क्योंकि हार्ड वर्क जब भी करेंगे तो हमें सांस को लगा लगा रोकने की जरूरत होती है। यदि आपको कुछ उठाना है तो हम सांस को रोकते हैं तब उठाते हैं, कुंभक को ये बिना हम नहीं उठा सकते। तो जब हम सांस जोर से बंद करके भर करके बंद करके फिर उठाने की कोशिश करते हैं, फिर जब सांस छोड़ते हैं तो वो काफ़ी तेज़ी से सांस बाहर बढ़ती है, फिर तेज़ी से हवा बढ़ती है, तो यह जो अनुभव है वह उसमें नहीं हो पाए तो हम भौतिक संसार में चले जाएंगे। यानी ये सांस जो है हमको भौतिक संसार से भी होता है, आध्यात्मिक संसार से भी होता है। तो इसमें सांस की लंबाई को घटाते जाना है। तो खैर मैं बता रहा था कि जब हम लोग की सांस की लंबाई इस तरह से हो जाएगी कि एक मिनट में हम लोग तीन सांस ले रहे हैं आपके, तो वैसे स्थिति में हम लोग के भीतर में तब तक जो है काम क्रोध लोभ मोह ये सब समाप्त हो चुका होगा। और जब हम दो चले तब हमारे मन में ये समझे इससे आगे ये सदा ये संप्रदाय ये सब भी समाप्त हो जाते हैं, सूक्ष्म रूप से हालांकि रहते हैं लेकिन इतने तक वो प्रकट नहीं हो पाएंगे। फिर जब इसको और घटाते हैं तो भय समाप्त हो जाते हैं, चाहे सामने में शेर भी खड़ा होगा, चाहे कोई बंदूक ताने भी व्यक्ति खड़ा होगा, चाहे मृत्यु एकदम निकट भी हो, यदि आप सांस की लंबाई को इस तरह से लेंगे, इतना धीमा लेंगे सहज रूप से कि एक मिनट में आपकी दो ही सांस आ रही है, तो आपको डर नहीं है। तो जो बहुत डरते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है क्योंकि सांस की लंबाई को घटाएं और प्रत्यक्ष कर सकते हैं। यह नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा तब ऐसा, अभी अगर आप तुरंत ही अगर आप थोड़ी देर के लिए भी करेंगे और उसी स्पीड में करेंगे तो अभी भी अगर आपको प्रेरित करना चाहिए तो आप नहीं आप प्रयोग करके भी देख सकते हैं। अब जो मैंने कहा था कि हम लोग बाहर निकल जाते हैं, तो जब हम एक मिनट में तीन सांस या दो सांस में आते हैं तो हम लोग का मन जो है बाहर निकल जाता है, वो बाहर निकल जाएगा और वो भीतर भी प्रवेश हो जाता है। अब आपकी जो इच्छा शक्ति आपकी जो चेतना है वो क्या चाहती है इसके ऊपर, क्या वो बाहर संसार में घूमना चाहती है, बाहर संसार को देखना चाहती है, या अपने भीतर जाकर के अपने अंतर जगत को देखना चाहती है। तो जो उसकी इच्छा हो अंतर जगत को देखने की इच्छा हो तो अंतर जगत में प्रवेश हो जाएगा, बाहर की इच्छा हो तो बाहरी दुनिया में उसका प्रवेश हो जाएगा। तो आप साक्षात महसूस करेंगे सांस की लंबाई, जैसे ही एक मिनट में तीन सांस या इससे कम होने लगे आपका मन अलग होने लगेगा और आप बाहर या अंदर प्रवेश होंगे। अंदर प्रवेश होने लगेंगे तो जैसे मैंने बताया भय से आपकी मुक्ति होने लगेगी, बाहर निकलेंगे तो भय से मुक्ति नहीं होगी, लेकिन बाहर निकल करके आप अपने शरीर को देख सकते या हो आप बाहर यात्रा भी कर सकते हैं अन्य लोगों में, वो चूंकि मैंने बताया तो वह अन्य लोग हैं, तो वह अन्य लोग है, ये पृथ्वी लोग नहीं है, वह अन्य लोग है, वहाँ यात्रा कर सकते हैं, वहाँ आपको दृश्य दिख सकते हैं, उस लोग के दृश्य आपको दिखेंगे। तो और वह जो है हम इन आँखों से नहीं देखेंगे क्योंकि शरीर की आँख अलग हो। तो जब हम सांस की गति को एक मिनट में एक कर दें तो पूर्णतः जो है भय मुक्त हो जाएंगे, लोग मुक्त हो जाएंगे, क्रोध मुक्त हो जाएंगे,
कैंसर जैसे रोग से छुटकारा हो जाएगा, कैंसर जैसे रोग से छुटकारा हो जाएगा और वो भी इतनी आसानी से हो जाएगा कि इतना सांस को घटाने के बाद भी आपको करने की जरूरत नहीं है। कैंसर के जो मरीज हैं वो एक मिनट में अगर 12-13 सांस लेंगे तो ही मुक्त हो जाएंगे, 2-3 मिनट में 12-13 सांस में ही वो मुक्त हो जाएंगे। तो जितने कठिन कठिन रोग हैं वे सब इससे दूर होते जाते हैं। अब मैं दर्द की बात करता हूँ, हमारे शरीर में जो दर्द उत्पन्न होता है उसमें भी सांस की लंबाई होती है, दर्द बहुत बड़ा प्रमाण होता है, दुख बहुत बड़ा प्रमाण होता है। जब हम एक मिनट में एक सांस ले रहे हैं तो हम इन जो अभी मैंने बताया है ये सब डाइट वाइट इन सबसे मुक्त हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि हम दुख से मुक्त हो जाते हैं, यानी एक मिनट अगर एक सांस संसार में चल जाए तो हमें दुख हो ही नहीं सकता। और अगर हम 1.5 मिनट में एक सांस लें, 1.5 मिनट में एक सांस, 1 मिनट में एक सांस की बात किया था, 1.5 मिनट में अगर एक सांस लेते हैं तो हमें किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं बचा है, हमारे शरीर को आगे से काटा जाएगा, दर्द नहीं हो सकता, दर्द खत्म हो जाता है। लेकिन 1 मिनट से उसमें ज़्यादा समय लग जाता है और अहंकार भी समाप्त हो जाता है और वह जो है उस वक्त की स्थिति जो है वो कैवल्य की स्थिति होती है और जो समाधि की स्थिति है वह तो 1 मिनट में ही हो जाती है और कैवल्य की स्थिति है समाधि से भी आगे की अवस्था है वह हो जाती है। और ध्यान तो अपना जो है जब आप 12-14 1 मिनट में 12-14 कर रहे हैं सांस उस गति से ले रहे हैं तो ही आपको ध्यान करने लगेगा। तो इस तरह से हम लोग इसमें देखेंगे और प्रयोग करके देखेंगे। अभी इसमें क्या करना है, सांस की लंबाई जो है वो हमें बढ़ानी है, सांस पर हमें ध्यान देना है और सहज भाव से करना है, प्रेशर बना करके नहीं, शरीर तेजित हो जाए सामान्य रूप से धीरे धीरे उसको घटाते जाएंगे धीरे धीरे लंबाई। तो यह आप करेंगे और इसमें क्या है कि मैं आपसे पूछूंगा कि कितनी सांसें आपकी आई है, मैं समय बता दूंगा कि हम लोग अब 1 मिनट में कर रहे हैं, अब हम लोग 2 मिनट में कर रहे हैं, 2 मिनट बाद भी पूछूंगा, 1 मिनट के बाद पूछूंगा, फिर 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर आधा घंटा, इस तरह से चलेंगे। क्योंकि हम लोग के पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है इसीलिए हम लोग 40 मिनट तक तो जा सकते हैं, क्योंकि 40+30 70 हो जाएगा, +20 90 हो जाएगा, हम लोग पाँच मिनट में 2 घंटे का समय है 7 बजने वाले हैं। तो हम लोग अधिकतम 40 जा सकते हैं या 30 जा, 30 ही मानते हैं कि और भी पूछने उछने के समय जाएगा, अधिकतम 30 जाएंगे आज के अभ्यास में। तो अब आप लोग जो है पूरा रिलैक्स होकर के बैठिए और सहज वृत्ति से शांत हो सकता है कि जब आप थोड़ा थोड़ा जोर लगा रहे हैं एक सांस बढ़ जाएगा तो बहुत परेशान भी होती है, अगर सांस बढ़ गई लंबाई बढ़ गई तो फिर धीरे धीरे वो फिर जो है आने लगेगी सही जगह पर। तो 1-2-4 सांस अगर लंबी आ भी जाए तो कोई बात नहीं है, मुख्य चीज़ है कि आप उसको गिनना मुख्य है, आपके उस पर ध्यान देना मुख्य है, गिनना मुख्य है कि कितनी लंबी वो आ रही है और जा रही है, कितनी सांस हो गई। तो सांस भरना और सांस छोड़ना यानी श्वास और प्रश्वास उसकी गिनती एक मानी जाएगी। और जिस आसन में आप बैठेंगे उस आसन से थोड़ा भी नहीं हिलेंगे, वो मैं आपको पहले बताया था, इस बार में बता रहा, एक ही स्थिर आसन में ही बैठ करके ही हमें सांस भरना है, लेना है, छोड़ना है, गिनना है। यानी कि पोजिशन अपना बदल रहा है, बहुत आपत्त हो जाए तो बात दूसरी है लेकिन फिर उस स्थिति से आप कर लिया, हम लोग का शरीर का पोजिशन जब बदलता है तो आप देखेंगे कि सांस छोटी हो जाती है। आप इसी को तुरंत कीजिएगा
जैसे ही ऑपरेशन बदलते हैं आपकी सांस छोटी हो जाएगी, बिना सांस छोटी के भी ऑपरेशन बदल ही नहीं सकते। सांस लंबी तब होती है जब हम लोग स्थिर होते हैं, और स्थिर तक तो सांस लेंगे हरकत ज़्यादा नहीं करेंगे कुछ भी। स्वयं जो है हम लोग अपने बड़ा जो फैलता है सुनता है, इसकी वजह से जो हरकत होती है होगी। तो अब पहले जो है हम लोग पहले एक मिनट का करेंगे, फिर दो मिनट का, पाँच का, फिर दस का, फिर पंद्रह का, फिर बीस का, फिर तीस का, इतने तक हम लोग जा पाएंगे दो घंटे में। अगर ज़्यादा वो होता तो हम लोग ज़्यादा देर तक जा सकते थे समय होने पर, लेकिन चूँकि दो ही घंटा का समय हम लोग होता है, इतने में दो घंटा खत्म हो जाएगा। तो सब लोग आप लोग अपने अपने आसन पर बैठ जाइए और शरीर को ढीला कर लें। कुछ रखे हैं पॉकेट वगैरह में तो उसको निकाल दें, शरीर में जो है थोड़ा भी लोड ना पड़े शरीर को। तो कुछ भी रखे हैं तो निकाल करके बाहर कर दीजिए, खाली ढीला बैठ गए आराम से, और जितने आराम से आप सांस भर सकते हैं छोड़ सकते हैं उस पोजीशन पर बैठ सकते हैं। जिसमें तकलीफ से सांस आप लेते हैं तकलीफ से छोड़ते हैं उस पोजिशन पर बैठ हैं, जिसमें आराम से सांस लेते हैं और आराम से छोड़ते हैं उसी पोजीशन पर बैठे। हो सकता है कि जो है किसी आदमी में बैठने पर आपको परेशानी हो, तो इसीलिए ध्यान आसन बताया हो। इस ध्यान आसन में जो सुख आसन है उसमें सामान्यतः कोई भी बैठता है आराम से। तो पोजीशन ले लीजिए आप। अब हम लोग एक जब मैं कहूँगा स्टार्ट तो स्टार्ट होगा, स्टॉप वॉच में चलाऊँगा। स्टॉप वॉच चलाने के बाद जो है मैं फिर उसको रोक दूँगा, स्टॉप कर दूँगा आप बोलते हैं। जब मैं स्टार्ट करूँगा तो आप गिनना शुरू करेंगे, जब स्टॉप कर दूँगा तो आप गिनती पूरी कर लेंगे, फिर आप मुझे बता देंगे कि कितना हुआ, ताकि आपकी जो है साधना में प्रगति यहीं पर साफ साफ महसूस होगी। और जैसे मैंने बताया इसको ध्यान दीजिए, कुछ लोग क्या करते हैं कि पत्रविता के चक्कर में ज़्यादा तेज सांस को छोड़ करके लंबी लंबी सांस भरते हैं, जिससे सांस की गिनती घट जाती है। ऐसा कोई नहीं करना, सहज वृत्ति से करना, बिना शरीर के ऊपर अतिरिक्त तनाव ना, बस हल्का सा बदल रहा है, बहुत हल्का सा, और घबराइए नहीं। तेजी से जो है सांस की संख्या घटाने के चक्कर में नहीं पड़ेगी सहज।